नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, हर समाज में अपना एक संगठन है, उसे संगठन के आधार पर समाज की रूपरेखा बनाकर कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा संगठन का गठन किया जा रहा है। शैलेंद्र मीणा वाल्मीकि प्रदेश महासचिव ने बताया कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज का प्रदेश गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पद वितरित किए जा रहे हैं। सतीश भगत चांडेले को संवाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मेवाड़ा नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज की दशा और दिशा सुधारी जाए। वाल्मीकि समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज का गठन चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी जनसंख्या के आधार पर संगठन का विस्तार नहीं है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं, कितने रोजगार से जुड़े हुए हैं। हम समाज के लोगों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे समाज के साथ दशा और दिशा दोनों में सुधार हो। मेरा नाम सतीश भगत चंडाली है, भोपाल जिला शहर के रहने वाला निवासी हूँ। आज इस संगठन से मैं जुड़ के इस संगठन के लिए जो भी मेरे से बनेगा तन मन से सेवा करूँगा समाज के हित में। ठीक, हाँ हाँ, पास में जी। मोहन तो जी, मेरा नाम शैलेंद्र मीणा वाल्मीकि है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश महासचिव हूँ। आज क्या मुख्य आयोजन रखा? आज हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का पूरा प्रदेश स्तर पर गठन करने के लिए दौरे कर रहे हैं। उसी दौरे के पर्पस में आज हम भोपाल पधारे हैं। भोपाल में हमारे सतीश भगत जी चांडाले जी को संभाग अध्यक्ष नियुक्त करने आए थे और मेवादी जी को नगर अध्यक्ष नियुक्त करने आए थे। हमारे संगठन का उद्देश्य मैडम एक ये है, हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक वाल्मीकि समाज का गठन चल रहा है, पूरे राष्ट्र में चल रहा है, लेकिन कहीं भी जनसंख्या के आधार पर संगठन का विस्तार नहीं है। तो हम चाह रहे हैं संगठन के माध्यम जिस शहर में बनाए उस शहर के अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का दायित्व हो कि हम इस समाज की जनगणना करें कि कितने एक्चुअल व्यक्ति रहते हैं, कितने शिक्षित है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने के पास नौकरी नहीं है। क्योंकि अगर सरकार से बात करने अगर जाएँ तो हम उसको आंकड़ा बता सकते हैं कि इतने लोग हमारे पास हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतने के पास नौकरी अभी नहीं है। क्योंकि समाज के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए हम चला रहे हैं, योजना चला रहे हैं। योजना के लिए हम समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको हम पढ़ाएंगे, पर्सनल भी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रोजगार के लिए ही प्लान है। इसमें मेन रोजगार के लिए ही बनाया गया संगठन है। संगठन की पहली प्राथमिकता भैया ये है कि रोजगार के लिए हम आगे लोगों को आगे लाएंगे और शिक्षा के लिए मेन उद्देश्य हमारा। कुरूतियाँ कैसे खत्म करेंगे? कहीं ना कहीं जो युवा है आज वो नशे के क्षेत्र में जा रहा है, उनको कैसे? नशा मुक्ति शिविर तो समाज के माध्यम से हमने बहुत लगाए हैं। इंदौर में भी नशा मुक्ति शिविर लगाया था। समाज के युवा को ला रहे हैं आगे कि भाई नशे में मत जाओ, क्योंकि नशे की आदत तो समाज के लिए क्या, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए खतरा है। नशा तो देश से मुक्त होना चाहिए, समाज से क्या, पूरे देश से मुक्त होना चाहिए। चल रहा है उसके लिए अधिवेशन भी, हमने छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, एसपी साहब को संग मिलकर करते हैं, कलेक्टर महोदय के साथ करते हैं, छोटे मोटे आयोजन करते हैं ताकि नशा मुक्त। महिला को आगे लाने के लिए संगठन ने हमने प्लान कराया, भी महिला प्रकोष्ठ भी बनाया हमने, महिलाओं के महिला अध्यक्ष भी प्रदेश में गठन करना है, वो भी बनाएंगे हम। और नारी को तो चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के संघ में काम करे और उनको भी आगे लाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।